अभी ऐसा है, सब अभी ऐसा है सलाह दे रहे हैं, जिसको कोई सलाह देने की जरूरत नहीं वही सलाह दे रहे हैं। वो अपने पार्टी से अच्छे से चला है, उसकी सलाह आपस में दे और वही अपनी पार्टी को कैसे जिताने के लिए प्रयत्न करे। फालतू दूसरे लोगों को सलाह देने का क्या मतलब है? छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये सिद्ध हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी मुकाबला करने की क्षमता नहीं रखती, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मुकाबला करने की क्षमता नहीं रखता है। और देश में 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, उसके वजह से ये पिछले 3 तारीख के रिजल्ट के बाद हमारे जो विरोधक है बहुत निराश है। हम पार्लियामेंट में भी, मैं कल वहीं से आ रहा हूं, मैं वहां भी देख रहा हूं वहां माहौल क्या है, पार्लियामेंट भी बिल्कुल नहीं। तो आपने देखा पिछले कई सेशन में अडानी का मुद्दा, तो दूसरा मुद्दा, तो तीसरा मुद्दा लेकर पार्लियामेंट चलने नहीं दी। अभी पार्लियामेंट भी बहुत अच्छे तरह से व्यवस्थित चल रही है, शांत तरीके से चल रही है। यहां पर भी और कोई मुद्दा नहीं मिला तो एक नवाब भाई का मुद्दा लेकर यहां पर खाली थोड़ा एक वातावरण निर्माण करने का काम हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका, मतलब हमारी, अजीत पवार जी की, प्रफुल्ल पटेल की, सुनील तटकरे की, बहुत स्पष्ट है। हम यहां पर एकनाथ जी और देवेंद्र जी और अजीत पवार मिलकर बहुत अच्छे तरह से महाराष्ट्र में हम यहां पर नेतृत्व भी करेंगे, सरकार भी चलाएंगे और लोगों के हित में, लोगों के, किसानों के, गरीबों के, सामान्य लोगों के हित में हम काम करके फिर से यहां पर हम विजय प्राप्त करेंगे। जाहिर पत्र देना जाहिर पत्र